किए जाते हूँ क्या कह रहा हूँ, आपकी मत में सोचिएगा, आप सोचिए इस तरह से होता है, अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है इसका, मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से आप सोच लीजिए, कहीं 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 के प्रेस वाले कर सकते हैं, सुनिए ना, आज झूठ फूट के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो नहीं प्रेस का लोग सब पूछ रहा, या कोई जेल में हो, कोई इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दिक्कत है। और उसके बाद निरंतर हम अभियान चलाते रहे हैं, और आप जानते हैं और कितना ज़्यादा लोग शराबबंदी छोड़ते चले गए, लेकिन इधर जो कुछ घटनाएं घट रही हैं अभी कुछ दिन पहले, और फिर 21 के लास्ट में घटा था, हम 22 में सब जगह घूमे, इसके बाद फिर एक बार घटना घटी है, और फिर एक बार घटना घटी है कि जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो रही है, तो ये बड़ा दुखद है। और आपको मालूम है कि जब 2016 में हम लोगों ने लागू किया था, और जब उसके चलते शुरू हुआ जहरीली शराब वाला, तो उसके बाद तो हम लोगों ने कर दिया था कि जो भी गलत शराब चलाता है उसके माध्यम से उसको उसको मिलना चाहिए, तो ये सोच करके और राज्य सरकार की तरफ से करा दिया गया DM से वहाँ पर, लेकिन बाद में कोई कुछ चला गया तो पेंडिंग रह गया। अब उसके बाद जितना भी कहीं कुछ होता है तो हम कहते थे कि लोगों को नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, जब कोई पियोगे तो नुकसान होता ही है, और जब जहरीला पीते हैं इसी के चलते मर जाते हैं, तो बड़ा दुखद होता है। इधर फिर जो इंसिडेंट हो गया है, और 2 दिन पहले जो हम देखे, हमको बड़ा दुख हुआ, और बहुत दुख हुआ, तो तुरंत हमने अपने अधिकारियों के साथ और सब यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों के साथ हमने विमर्श किया। हमने कहा कि भाई देखिए, आप लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं, और जो भी गड़बड़ करता है उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है, इसके बावजूद इस तरह का इंसिडेंट हो जा रहा है, ये तो बड़ा हमको बहुत ही बुरा लग रहा है, और भीतर से बड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई इस तरह का लोग भी कैसे पी लेता है, मर भी जाता है, और इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हो रहा है। तो हमने कहा कि अब देखिए, ये तो बड़ा दुखद है, सामान्य परिवार का लोग, गरीब वरीब तबका का लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके अब घरेलू शराब के चलते मर जाता है, तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा है, उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई ये भाई हमारे परिवार के ये थे, और कहाँ से ले लिए, पी लिए, उसके चलते मर गए, हम लोगों को भी काफ़ी उनको तो दुख है ही, तकलीफ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब, शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए, और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा DM के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज़ का, जिसका भी डेथ हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज़ को देख लेंगे, और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज़ तो कर ही रहे, लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है, और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो, ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ़ है। तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर देंगे, CM रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, अब वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा, और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग ये देख ही रहे हैं, और कई लोग जगह पकड़ाया ही है, तो उसके बाद होगा। क्योंकि हमको अभी इधर लगातार जो हम दो तीन साल में देखे कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है। तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा, और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। गिरफ्तारी क्यों लोगों का डर रहता है सर? नहीं, देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता देना चाहिए। बात ये है, वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना, तो कोई शराब पीता है तो पकड़ाता है, अभी जहरीला पी करके तो मर गया, तब उसका क्या होना है?
वो तो डेथ हो ही गया उसका, तो एक तो गलत चीज़ हो ही ना गया उसका, तो अब कम से कम उसको, अरे पी करके जो गिरफ्तार हुआ पीने वाले को नहीं, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, और कितना ज़्यादा पहले की तुलना में शराब पीना लोग छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे कितना बढ़ता चला जा रहा, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो इतना ज़्यादा हो गया है, तो इस सब चीज़ के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं ना हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर है, तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन इसका देख करके भाई असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तो हम आप लोगों को, आप लोग हाँ मोतिहारी तो अभी जो घटना घटी थी सब और ख़राब लगा, इसके पहले भी हमको खराब लगा था, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अभियान चला है। आप बोलिए ना 21 के एंड में हुआ था, कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम घूम करके, आपको याद है ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए, और इस सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं, और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा दुख हुआ, तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद कर रहे हैं, ये बात हमने सोच लिया, तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दिए हैं, और पूरा डिटेल आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे, और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को, और वहाँ से हम उसको CM रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का, उस सब को हम दे देंगे, ये हम सोच लिए। पहले दिन की मौत भी उन लोगों को भी मिलेगा क्या था? पहले वाले को वही तो हम कह दिए, 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सब को हम दे देंगे। तो पुलिस का, पुलिस परिवार को डरा के रखती है कि अगर आप शराब के मामले में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग यही थे ना, आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर न करते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी, उसको तो नहीं किया गया, चालू नहीं किया, नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया, उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई इसको ठीक से करिए, ठीक से करिए, और उसके लिए मांग करने गए। अब बताइए बिहार का तो ऑल पार्टी, आप ही बताइए कोई एक पार्टी थी, सारी पार्टियां का एक व्यू, और आप बोलिए हम लोगों का 19 में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, या दोनों हाउस में विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए, सर्वसम्मति से होता था जी। तो हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं जी, तो उसके बाद जब वहां से हो गया कि ठीक है हम लोग तो नहीं करेंगे, आप लोगों को करना है करिए, तो उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके ने किए हैं, और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है, और हम जा करके अपना जो था जाति आधारित गणना तो अपना घर पर भी गए ताकि वहीं पर सब चीज को देखें, सब लोगों को कहे भी जो बात हुआ शुरू हो गया, तो उस दिन भी हम गए तो एक एक चीज के लिए सबको कह रहे हैं कि पूरा सबकी आर्थिक स्थिति भी अध्ययन करें ताकि हम लोग एक कहते हैं कि इसको हटा देना चाहिए जो 50% का कैप है। अभी तो कुछ भी कहना हमको पहले देखिए होने दीजिए, आप पूरे देश में हमको लग रहा है कि लोग करेंगे तब केंद्र को भेज दिया जाएगा, हम लोग कहीं ना बार बार कह रहे हैं कि केंद्र को भेज देंगे हम लोग, तो फिर केंद्र का भी दायित्व तो होता है कि अब देखिए ना भाई 10 साल पर होता था हम नहीं ना हो रहा है, आज कवा साल हो गया बोलिए, 10 साल पर हर बार होता था, इस बार तो नहीं हुआ, 13 साल हो गया नहीं हुआ अभी तक, तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें, अच्छा ना है, तो जब सब जगह का रिपोर्ट जाएगा तो उनके आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये केंद्र का काम है देखना करना,
तो इसलिए वो तो आगे की चीज। सर बिहार और गोवा के पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक ने कुछ गंभीर पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से कहीं 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 के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोगे सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना। हमारा ये है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो हुआ ही खराब। क्या लगता है सर, एनकाउंटर हो गया सर उसके बाद? नहीं नहीं, जो भी हुआ है वो एक अलग विषय, लेकिन किसी को इस तरह से रास्ते में मार क्या लगता है सर? पुलिस को तो इतना नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं हम लोग नहीं करवाते हैं, कोई भी जो जाता है जा करके जो है जेल में और उसको भेजा जाता है कहीं कोर्ट में या कहीं भी, तो देखता नहीं है, रहता नहीं है उसके सुरक्षा के लिए। ये तो रहना ही चाहिए, ये तो बड़ा सर। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है यूपी में, पूरे प्रदेश में? सरकार को सूचना चाहिए किस तरह की घटना होती है, तो सूचना बहुत चाहिए। ये तो बड़ा ही दुखद बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं सर अपराधियों का सफाया हो रहा है, योगी मॉडल है। मैं जानता हूँ क्या कह रहा है, आप ही लोग सोचिएगा। आप सोचिए इस तरह से होता है अपराधियों का सफाया, मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? लेकिन उनको उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है, तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। तो इसके बाद अगर कोई बोलता है इसका मतलब अपनी बात, एक बात हम जानते हैं, अब तो लोगों पर जो कब्जा कर लिया है तो उसको क्या कीजिएगा? कोई बात कोई ठीक से उल्टा उल्टा का बात है, लेकिन हम जो आज बोल दिए हैं, ये हमारे सब अधिकारीगण चीफ सेक्रेटरी से लेकर के आप से लेकर के सब लोग बैठ करके आपको पूरा जो आज हमने बता दिया है, उसी के आधार पर सब जगह नोटिस जा रहा है, चला जाएगा एक एक जिले को चला जाएगा और शुरू से लेकर के अब तक का सबको जो हम लोग करेंगे उसके लिए। सर जातीय जनगणना परिस्थिति में क्या? नहीं, वो नहीं, अरेस्टिंग की बात नहीं है, उसकी बात है मौत में होती है। अरेस्टिंग तो उसकी है कि जो शराब का धंधा करेगा या कोई शराब पीता है, मना किया जाता है कानून में जी। तो सब तो अपना देख न लीजिए, राष्ट्रीय संविधान तो देख लीजिए, कानून जो बना है नेशनल लेवल पर, आज से नहीं जब से बना, और उसके बाद राज्यों को अधिकार दिया गया, विभिन्न कई राज्यों ने किया है, हम लोग भी किए हैं, एक बार पहले भी हुआ था रुक गया, फिर दोबारा हम कर दिए हैं और 7 साल हो गया, 8वां साल शुरू हो गया, तो इतना तो हम लोग कर रहे हैं मेहनत। तो ये सब तो अलग चीज़ है, गलत करेगा तो उसको तो होना ही चाहिए सजा, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब इस तरह से मर रहा है, हम तो बराबर सब जगह बोलते हैं कि शराब बड़ी बुरी चीज़ है। बापू ने क्या कहा था, याद तो करो। और इसके बाद जो रिपोर्ट आई है पूरे दुनिया भर का है WHO का, वो भी हम सबको बताते हैं कि कितना खराब चीज़ है। लेकिन इसके बाद भी अपने बिहार में लोग अब इस तरह से हो जाता, हम उसको मदद तो कर देंगे, लेकिन भाई एश्योरेंस दो, सब अपने आप कहे, अपने परिवार के लोग अगल बगल सब लोगों को कहें, ये सब। यूपी में एक घटना हुई